हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का चैप्टर 1 का सेट, ठीक है। इसके पहले हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने सेट के बेसिक्स लिए हैं और सेकेंड लेक्चर में हमने वेन डायग्राम पढ़ा है, ओके। अब इस चैप्टर में हम जो लेंगे, जो हम ये लेक्चर लेने वाले हैं, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट की प्रॉपर्टीज़, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक, और उसके बाद वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे सेट की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हुआ था, तो एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ या लॉज ऑफ सेट, लॉज ऑफ सेट्स, फर्स्ट, ए यूनियन ए इज अ ए, राइट। ए यूनियन ये कौन सा आपका लॉज था, आइडेंपोटेंट लॉज। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए। थर्ड, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। देखो, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप यूनियन लोगे तो सेम क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट। एंड फोर्थ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो अगेन मिल जाएगा आपको ए, राइट ना। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे तो सेट ए मिल जाएगा, दैट इज़ अ आइडेंपोटेंट लॉ। चलो, सेकेंड हमने लिखा था कॉम्पिटिटिव लॉ। चलो, कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, राइट। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर। इसको क्या लिखते थे हम, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट ना। तो एसोसिएटिव लॉ ये क्या था आपका, एसोसिएटिव लॉ। इसमें याद रखना है आपको यूनियन, यहाँ पर भी यूनियन यहाँ, राइट, और सेकेंड में इंटरसेक्शन। फोर्थ, कॉम्प्लिकेटिव, चलो कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए डैश क्या होता था आपका, ए ए डैश। सेकेंड, यूनिवर्सल सेट। देखो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या मिलेगा, फाइव, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव। थर्ड, फाइव, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ओके। एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है ये बात। देखो ऐसा, ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए, राइट, और सेट के ए के बाहर का जो रीजन है दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट। देखो, ए और ये पूरा रीजन दैट इज यूनिवर्सल सेट। अगेन देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, देखो जैसे मैंने ये कर दिया, राइट, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज द ए, इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो दैट मीन ये क्या होगा, फाइव, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ क्या हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फर्स्ट देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो हम कैसे लेते थे, याद है, ए यूनियन इसको बी के साथ लोगे फिर सी के साथ, तो ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। देखो, ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन। अगेन सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ऐसा, ठीक। ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक यूनियन होता है तो एक इंटरसेक्शन होगा, एक इंटरसेक्शन तो एक यूनियन, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन, तो एक बार बी के साथ लो, राइट,
ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन एस। ठीक, सिक्स। अब सिक्स हमने क्या पढ़ा था? डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ठीक है, ओके। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन, ठीक है, राइट। अच्छा इसमें एक और था, राइट, एक और था, क्या था? आइडेंटिटी लॉ। क्या था इसमें? देखो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, नहीं, ए यूनियन फाइव, ठीक। तो ए यूनियन फाइव क्या हो जाता है आपका? ए, राइट, ए इंटरसेक्शन फाइव। अब ये क्या होता है बताओ? ए इंटरसेक्शन फाइव, दैट इज अ फाइव, भाई फाइव के साथ अगर किसी का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा, ओके। तो इतने लॉज होते हैं आपके, राइट, तो ये आपको याद होने चाहिए, इतने लॉज आपको याद होने चाहिए ताकि आप जब प्रॉपर्टीज सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, आप कुछ प्रूफ करते हैं, राइट, तो इसको नोट कर लिया, ओके। चलो अब देखो, जैसे एनसीईआरटी आपके या स्कूल के एग्ज़ाम में क्लास इलेवंथ में कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रूफ करने को, ठीक, तो इस टाइप का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूफ दैट। चलो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करते हैं यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का क्या होगा? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको हम प्रूव करते हैं, चलो तो कैसे प्रूव करते हैं यहाँ से, लेट। अच्छा दो चीज़ें समझ लेना यहाँ पर, पहले इस प्रूफ को करने से पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं, इसको नोट करके देखो। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो अगर ए बी का सबसेट है एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी भी ए का सबसेट है तो इस केस में क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू बी, राइट। फर्स्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी का भी हर एक एलिमेंट ए में होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर x a का एलिमेंट है, implies that x is also element of b, right? याद है ये कंडीशन हमने पढ़ा था, x belongs to a, ये आप जानते हो गे, x belong, अगर x a का एलिमेंट है and x is also element of b, तो इस केस में क्या हो जाता है? a is a subset of b, a is a subset of b, right? अगर x a का एलिमेंट है और x b का भी एलिमेंट है तो a क्या होगा? a इज अ सबसेट ऑफ b, क्लियर। इन दोनों रूल को आप याद रखना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलो तो इसे हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं यहाँ से, देखो हम दो तरीके से कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ये कर दें a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो अगर हम ये दिखा दें कि ये इसका सबसेट है एंड
एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट है, राइट, होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखो ये क्या है, ये इसका सबसेट है, ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है। अगर ये हम दिखा दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ये इक्वल हो जाएगा, राइट ना, ठीक। सेम ये रूल है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक। अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक। इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम इसके हेल्प से दिखाएंगे, ठीक। चलो तो इसे हमें शो करना है, इसको हमें शो करना है, राइट। तो हम कैसे करते हैं, लेट y बी x, सपोज करो x ले लेते हैं, x बी एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ओके। चलो एक काम करते हैं, आप इस टर्म को इस साइड में लिखते हैं, देखो यहाँ से लेते हैं, लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक। x क्या हो गया, एक आर्बिट्री एलिमेंट हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, ठीक है, एलिमेंट है ना, तो बिलोंग हम यूज करते हैं। अब इम्प्लाइज दैट x, अब ध्यान देना, देखो x अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो x क्या होगा, डज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक। x अगर इसका एलिमेंट है तो ऑब्वियसली x इसका एलिमेंट नहीं होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर हम ले लें x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो x सपोज करो डज नॉट बिलोंग्स टू a, देखो ऐसा, अगर a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो a का एलिमेंट नहीं होगा, राइट ना। अगेन देखो, x डज नॉट बिलोंग a, ठीक। अच्छा, इंटरसेक्शन में हम क्या यूज करते थे, इंटरसेक्शन में याद है, डज नॉट के केस में हम यूज करते थे और x does not belongs to b, ठीक है ना, x does not belong a intersection b, तो intersection b के केस में हम क्या लेते थे, और लेते थे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, x, अब देखो x does not belongs to a, तो दैट मीन x belongs to a कॉम्प्लीमेंट, अगर x a का एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा, और x अगर b का एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा, राइट। तो अगेन देखो, x बिलोंग, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, ठीक। सो देखो, x अगर इसका एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट हमने प्रूव कर दिया x इसका एलिमेंट है, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, क्लियर। x अगर इसका इस सेट का एलिमेंट है तो हमने प्रूव कर दिया x इज अ एलिमेंट ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट, सो दैट मीन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये क्या हो गया, सपोज करो ये इक्वेशन वन हो गया ऐसा, ठीक, ओके। तो देखो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से, अब देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ क्या ले लेते हैं यहाँ पर, a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसका जस्ट उल्टा लेना है, केस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है राइट। वाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, पहले हमने इसका एलिमेंट लिया था, अब हम इसका एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक। सो क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो क्या होगा, और वाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सो वाई बिलोंग्स, अब देखो अगर वाई ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और वाई, अगर वाई बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वाई बी का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से वाई बिलोंग्स, ठीक, डज नॉट बिलोंग्स, तो डज नॉट बिलोंग ए और वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इस केस में क्या आता था याद है, इस केस में इंटरसेक्शन आता था, मैंने कहा था ना उल्टा हो जाता है, जब भी डज नॉट का केस होगा तो इंटरसेक्शन में एंड यूज होता है ना, जब बिलोंग रहता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तो वहाँ एंड आता है, बट डज नॉट के बिलोंग केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर और हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक। ध्यान देना, अगर हम ऐसे बोलें एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तो वहाँ पर एंड आता था, और अगर हम बोलें एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी तो वहाँ और हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो वाई डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो वाई बिलोंग्स टू, अब वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, अगर वाई इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वाई इसका एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया वाई इसका भी एलिमेंट है, तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, किस रूल से, इस रूल से, देखो ये वाला रूल सेकेंड, x belongs to A implies that x belongs to B, then A is a subset of B, right? The same, y belongs to this, then y belongs to this, okay? So this is a subset of this. So, यहाँ से क्या लिखोगे, A complement union B is a subset of A intersection B whole complement. ये टू हो गया, राइट है, ठीक। अब वन और टू से देखो, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यही आपको प्रूफ करना था, देखो ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा प्रूफ, क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो प्रूफ, जब भी हम सेट को प्रूफ करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, राइट, ठीक है, ओके। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। चलो तो सपोज करो एक क्वेश्चन यहां से लेते हैं, देखो इफ A is a subset of B, A is a subset of B, then prove that C minus B is a subset of C minus A, ये आपको प्रूफ करना है। If A is a subset of B, then prove that C minus B is a subset of C minus A, right? तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलो ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करो तो, ठीक। चलो मैं करता हूँ, देखो कैसे करोगे, चलो यहाँ पर देखो C माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, ओके,
और कंडीशन क्या दिया है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ से क्वेश्चन लो, यहाँ से लेट लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी। ठीक, तो x हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि c माइनस बी का एलिमेंट है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बिलोंग c माइनस बी ऐसा। ओके, तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग, ठीक, x बिलोंग्स टू c, ध्यान है c माइनस बी, यानी x जो होगा c का एलिमेंट होगा, बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक, तो x इज अ एलिमेंट ऑफ c एंड x इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, याद है, c माइनस बी यानी a माइनस बी के केस में हम क्या लेते थे, x इज अ एलिमेंट ऑफ c एंड x इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ b। ओके, अब यहाँ पे देखो, x बिलोंग्स टू c एंड, अब ध्यान दो यहाँ से कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन आपको गिवन है a इज अ सबसेट ऑफ b, ए जो है बी का सबसेट, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। देखो इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो देखो कुछ ऐसा होगा ना, देखो ये सेट बी हो गया और ये सेट ए हो गया, देखो ये सेट हो गया, राइट। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो बी का भी एलिमेंट होगा, राइट। लेकिन अगर जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें, तो वो देखो अब वो बी का एलिमेंट नहीं है, तो बी का एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन ए का भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देखो ऐसा लिख सकते हैं, अगर एक्स बी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, राइट ना, इस कंडीशन से समझ लो आप। ओके, समझ में आ गया होगा, सो दैट मीन हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग, अब देखो यहाँ से ये क्या लिखेंगे, x बिलोंग c एंड x डज नॉट बिलोंग टू, अब ये डज नॉट बिलोंग टू है दैट मीन क्या हो जाएगा, माइनस है। ठीक, तो देखो x इसका एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया x ऑब्वियसली इसका एलिमेंट है, सो दैट मीन c माइनस बी, c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, ऐसा। ठीक, देखो प्रूफ हो गया, राइट ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो अब देखो नोट करके कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं आप। राइट, कुछ और प्रॉपर्टी लेते हैं, फर्स्ट ए माइनस बी, राइट ना, ए माइनस बी, इसको हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलो सेकेंड, b माइनस ए, ध्यान देना जो माइनस में होगा वही कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, जैसे यहाँ देखो माइनस b है तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखो b माइनस ए है तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। देखो माइनस ए तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक, थर्ड देखो अगर हम ऐसा लिखें a माइनस बी इज इक्वल टू ए, राइट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक, इसको ऐसे समझो, देखो ये यूनिवर्सल सेट दिया, दिस इज द सेट a, दिस इज द सेट b। ठीक, तो a माइनस बी देखो कौन सा पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है, दिस इज द a माइनस बी, a माइनस बी ये पोर्शन a माइनस बी होता है। ठीक, ओके, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, a माइनस बी किसके इक्वल है, a के इक्वल है, राइट, a माइनस बी जो है a के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि
ए का कोई भी पोर्शन बी के साथ कॉमन नहीं है, राइट। देखो ऐसा, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, देखो दिस इज द ए और दिस इज द बी, ठीक। अब ए माइनस बी यानी वो एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, तो देखो ये इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ए माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब समझ रहे हो ना, वो सारा एलिमेंट ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट ए बी, ठीक। ए से बिलोंग करे बट बी से बिलोंग ना करे, राइट ना, ठीक। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए, ये किस केस में होगा, जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सो दैट मीन यहाँ लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू फाइव, ठीक। ए माइनस बी इक्वल टू, ये तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका फाइव, राइट। चलो थर्ड, ए माइनस बी यूनियन ए, ठीक। चलो इसको बताओ, ए माइनस बी यूनियन ए, ये क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक। इससे समझो, ये ए माइनस बी है, ये रीजन जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसका यूनियन ए के साथ ले लो, ठीक। तो अगर इसका यूनियन ए के साथ ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो इसका यूनियन ए के साथ ले लोगे, देखो ए मिल जाएगा। ऐसा यूनियन का मतलब समझ रहे हो, ए माइनस बी का एलिमेंट और ए का सारा एलिमेंट, ठीक। सबको कंसीडर कर लो, ए माइनस बी के एलिमेंट को और ए के एलिमेंट को, ठीक। तो देखो ये मिल जाएगा ये, एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए एस, ओके। अब क्या मिलेगा, देखो ए माइनस बी ये पोर्शन और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, ये पूरा ए है, राइट, ओके, ठीक। ये पोर्शन ए माइनस बी है और ये पूरा ए, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का देखो इंटरसेक्शन अगर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सेम ये एलिमेंट, देखो ए माइनस बी यही मिल जाएगा, क्लियर, ठीक। ये पोर्शन ए माइनस बी था और ये पूरा ए, और दोनों का कॉमन एलिमेंट यही मिल जाएगा, राइट। अच्छा और लो यहाँ से, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखो, ठीक। ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फाइव, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कैसे समझ में आ रही है, देखो ए माइनस बी, ठीक, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए के बाहर का पूरा रीजन, और ए माइनस बी देखो ये ए के बाहर का पूरा रीजन और ये, इन दोनों में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट। अगेन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अब इसको तो जानते हो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट ना, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए। इसको हम ऐसे भी लिखते थे ना, देखो इसको हम ऐसे भी लिखते थे, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक। अब ये क्या होता था, ये है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखो ऐसे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ओके, राइट। अब इसको देखो, अगर हम ऐसे ले लें, सपोज करो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ रही है, कैसे होगा, देखो देखो ये ए है और ये बी, ठीक। अब ए कॉम देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी में कैसे करोगे, ये पूरा बी हो जाएगा और ये पूरा ए, ऐसे, ठीक। ए जो है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो ये कंडीशन होगी वेन डायग्राम में। तो अब देखो यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट अगर ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी के बाहर का रीजन ये,
देखो बी के बाहर का पूरा रीजन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट एस राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए के बाहर का पूरा रीजन, देखो ए के आउटर का पूरा रीजन ऐसा, ए के आउटर का पूरा रीजन ऐसा, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ए के आउटर का पूरा रीजन उसको मैंने ग्रीन से डिनोट किया ए कॉम्प्लीमेंट, और बी के आउटर का पूरा रीजन जिसको मैंने रेड से ड्रॉ किया बी डैश। ठीक, अब इन दोनों में देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली आ रहा है राइट ना, ए कॉम्प्लीमेंट में देखो बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, राइट, ओके। तो आई थिंक देखो ऐसे तो इसमें कई रूल बनाए जा सकते हैं, बट आप बेसिक चीज़ें समझ लो, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आप इसको समझ सकते हो राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये। ठीक, तो इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लो, एक बार समझ लोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, ओके, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो तो आप इसके प्रॉपर्टी के बेस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव। देखो ऐसा दिया है, ठीक, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स राइट फॉर सम एक्स। ठीक, ओके, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, इसको हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी राइट। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो ट्राई करना है तो एक बार ट्राई करके देखो। ओके, कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज यूज करो, उससे सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, ओके, चलो सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ऐसा आपको गिवन है यहाँ पर राइट, ओके, ये वैल्यू क्या दिया आपको फाइव, ये फाइव गिवन राइट ना। ठीक, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स ऐसा राइट, और हमें प्रूफ करना है एच इक्वल टू बी, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं राइट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, देखो ऐसा क्लियर है, दोनों साइड हमने ए का इंटरसेक्शन ले लिया। अच्छा अब देखो यहाँ से ए यूनियन एक्स राइट, ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स में क्या हो जाएगा, ए का सारा एलिमेंट आएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इंक्लूड रहेगा इसमें, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ए मिल जाएगा। देखो क्लियर है बात भाई, ए यूनियन एक्स, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी आप सेट ले रहे हो जिसका यूनियन उसके सारे एलिमेंट उसमें इंक्लूड होंगे, तो ए यूनियन एक्स, ए का एलिमेंट इंक्लूड होंगे और एक्स के एलिमेंट, दैट इज़ द ए यूनियन एक्स
ठीक, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ऑलरेडी इसमें एक एलिमेंट है, और ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या मिल जाएगा, ए, इसके और ए के कॉमन एलिमेंट, दैट इज ए। ठीक, अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, तो एक इंटरसेक्शन एक यूनियन, तो आप क्या यूज करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर है, राइट। तो चलो कैसे लेंगे, ए ब्रैकेट के बाहर देखो ए इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिया, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स ऐसे लिया, और बीच में क्या ले लिया, यूनियन। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, राइट। अब आपको ये क्या गिवन है, देखो फाइव ऐसे, ठीक। अच्छा, फाइव के साथ अगर किसी का यूनियन लोगे, फाइव का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसके पास कुछ नहीं होता, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे, ओके। तो ये मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान दे रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये तब मिलेगा जब आप लोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियर है बात ये, ठीक। ए और बी का कॉमन एलिमेंट ए के इक्वल हो रहा है, ये तभी हो सकता है जब ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ऐसे देखो, देखो ये बी है और ये ए, ठीक। ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये, और ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, राइट। तो ये इसी केस में इक्वल होगा जब ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, और यहाँ देखो ए क्या है, ए बी का सबसेट, राइट। चलो अब इसी में देखो यहाँ पर, ठीक, एक तो हमने ये ले लिया, पहले केस में क्या लिया, ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ कंसीडर कर लिया। अब सेम देखो, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लेंगे यहाँ पर बी इक्वल टू बी, भी प्रूफ करना है, तो दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन ले लो, तो बी इंटरसेक्शन देखो ऐसा, राइट। चलो अब ध्यान दो यहाँ से, देखो सेम वही केस है, बी यूनियन एक्स में क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी, क्लियर। अच्छा यहाँ आप देखो, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन, तो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलो लगाओ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक, फिर दूसरे ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन एक्स एस, और बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन, क्लियर ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन, एक बार ए के साथ लो, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ में लो, बीच में यूनियन, ठीक। अब ये क्या गिवन है, ये आपको गिवन है यहाँ पर फाइव, यूनियन फाइव इज इक्वल टू बी, ठीक। अच्छा ये क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए, तो कॉम्पिटिटिव लॉ से ऐसे लिख लो, देखो ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव लॉ में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी वही होता है जो बी इंटरसेक्शन होता है, ठीक। अब देखो अगर फाइव के साथ अगर इसका यूनियन ले रहे हो, राइट, तो सेम आपको वही सेट मिल जाएगा एस बी, ठीक। देखो वही वाली कंडीशन यहाँ आ गई, ए इंटरसेक्शन बी, ये कब होगा, देखो ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये ए हो गया और ये बी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये वाला पोर्शन जो कि किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देखो ऐसा, राइट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर ये वन मान लो और ये टू, ठीक, ओके। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, देखो प्रूफ हो गया, क्लियर, ओके।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो इसको। सेट के प्रॉब्लम देखो टफ नहीं होते, इजी होते हैं। और मैंने बताया था JEE में तो ज़्यादातर इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, और बट बेसिक है, JEE में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी चैप्टर से, राइट। ऐसे देखो मोस्टली क्या होता है, सेट का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो प्रोबेबिलिटी में यूज़ कर लेते हैं हम, और सेट से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो उसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए सेट के क्वेश्चन ज़्यादातर इस चैप्टर से नहीं आते। ओके बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर इससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से, क्या है ये, देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट a-b-c इज इक्वल टू a-b यूनियन a-c। देखो ऐसा ये आपको प्रूव करना है। ओके तो चलो कैसे करते हैं यहाँ से, राइट। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से, तो ए माइनस बी माइनस सी ये आपको प्रूव करना है, ठीक। चलो ट्राई करना हो तो एक बार ट्राई करो, अदरवाइज हम सॉल्व करते हैं इसे। ओके चलो ठीक, पहले प्रॉपर्टी देखो यहाँ से, अगर हम लिखते हैं x माइनस वाई तो हम इसे क्या लिखते हैं, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, याद है ना, जो माइनस होता है उसी को हम इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं, तो माइनस वाई है तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। चलो इसी रूल को यहाँ फॉलो करते हैं, a माइनस ठीक तो b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, राइट। अगेन अब ध्यान देना यहाँ से, अगर देखो ये टर्म इसमें क्या है, माइनस है, सेम जैसे इसमें देखो, तो किसी क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन इसका होल कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, इसमें से ये माइनस था तो ए इंटरसेक्शन इसका होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब डी मॉर्गन सी लॉ यूज करो यहाँ से, ठीक, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के क्या हो जाता है, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का, अगेन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो अगेन कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा सी, ऐसे, राइट। ओके अब यहाँ से देखो, एक इंटरसेक्शन है और एक यूनियन है, तो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलो यूज करते हैं दिस, तो इंटरसेक्शन एक बार बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे, एक बार सी के साथ, राइट, और बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन, ऐसा। ओके अब इसे क्या लिखोगे, देखो इस रूल से अकॉर्डिंग इसको क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन ए माइनस बी, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देखो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ओके तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके चलो नोट करो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, प्रूव दैट राइट,
पी क्या है, पी इज़ अ पावर सेट, ठीक है। पावर सेट हमने पढ़ा था ना, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ द गिवन सेट्स, किसी सेट के सबसेट का अगर कलेक्शन हम ले लें सेट के फॉर्म में, दैट इज़ अ पावर सेट। पावर सेट इज़ अ कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ठीक। तो किसी भी सेट के सबसेट का अगर हम सेट के फॉर्म में कलेक्शन ले लें, दैट इज़ अ पावर सेट, ओके। अब पावर सेट में क्या होता है, देखो पावर सेट में उसके जो एलिमेंट होता है वो कोई सेट होता है, ध्यान देना, पावर सेट में जो कोई एलिमेंट होता है वो कोई सेट होता है, ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो एक सेट हम ले लेते हैं ए बी, देखो ऐसा। अब इसका अगर पावर सेट लिखना है, इसका पावर सेट कैसे लिखोगे, देखो ठीक, सेट ए, सेट ए का सबसेट लिखो, ठीक। सबसेट क्या होगा, फाइव, फाइव इज अ सेट ऑफ एवरेज सेट। अब देखो ये वो सेट ले लो जिसमें एक एलिमेंट आएगा, फिर बी, फिर ए बी, आगे देखो ऐसा, राइट। तो देखो इसके सबसेट क्या होगा, फाइव ए बी और ए बी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेट है, राइट ना, ये क्या है, सेट है, ओके। तो पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो एक सेट होता है, ठीक, ओके। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें, तो पावर सेट समझ में आ गया, चलो तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। तो ले लेते हैं यहाँ पर लेट, लेट एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, एक सेट है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ठीक, एक्स क्या है, इसका एक एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, एक्स एलिमेंट है तो क्या लिखोगे, बिलोंग पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ऐसा, एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से इम्प्लाइज, अच्छा देखो एक्स क्या है, एक सेट है जो इस पावर सेट का एलिमेंट है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से लें एक्स, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। एक्स जो है अगर पावर सेट का एलिमेंट है तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक। देखो पावर सेट में आप जो भी सेट लिखते हो ना, वो उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, बट पावर सेट का क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक। पावर सेट में आप जो भी लिखते हो ब्रेसेस के अंदर, वो क्या लिखते हो, सेट लिखते हो किसी गिवन सेट का, ठीक। वो पावर सेट का क्या होता है, एलिमेंट होता है, बट उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। तो एक्स इस पावर सेट का एलिमेंट है तो एक्स इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। दैट मीन यहाँ देखो एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, याद है ना, जहाँ इंटरसेक्शन आता है वहाँ हम एंड यूज करते हैं, क्लियर। अच्छा एक्स देखो अगर ए का सबसेट है तो एक्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, ठीक। अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, एंड एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, देखो ऐसे, राइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, एंड है ना क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, राइट। सो देखो एक्स इस सेट का एलिमेंट था, हमने प्रूव कर दिया एक्स इस सेट का भी एलिमेंट है, सो दैट मीन हम क्या बोल सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, ऐसा, राइट। अब ये पहली कंडीशन हो गई, ओके। दूसरी कंडीशन भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, राइट। चलो यहाँ प्रूव करते हैं यहाँ से, ओके। कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ देखो, अब यहाँ अगेन ले लेते हैं, अगेन क्या लेते हैं यहाँ पर, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ
अब देखो, अब इसको हम इसका सबसेट प्रूफ करते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, ऐसा राइट। सो क्या लिख सकते हो, वाई बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, क्लियर ना। बस इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ कर रहे हो ना, इसका जस्ट अपोजिट। देखो यहाँ से देखो, वही चीज़ यहाँ लिखा है राइट। अब क्या करो, देखो नेक्स्ट स्टेप में y बिलोंग्स p ऑफ a एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड p ऑफ b, देखो ऐसा, क्लियर ना। देखो वेरी सिंपल ये था, इसके बाद देखो ये स्टेप आ गया। अगेन देखो y बिलोंग्स, अब ध्यान देना, अगर हम पावर सेट को रिमूव करेंगे तो y क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा सबसेट, किसका, a का, राइट ना, ठीक। तो जो एलिमेंट पावर सेट का एलिमेंट, जो पावर सेट का एलिमेंट है जो सेट, वो उसका क्या हो जाएगा सबसेट, एंड सॉरी यहाँ y होगा, ठीक, y इज अ सबसेट ऑफ b, सेम कंडीशन। देखो देखो ये थर्ड लाइन हो गई, ये क्लियर, मैंने कहा था ना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके बाद देखो यहाँ से y इज अ सबसेट ऑफ एंड आ रहा है तो a इंटरसेक्शन b, देखो ये स्टेप आ गया। अगेन y इज अ, अब देखो एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक। तो अगर ये सेट का सबसेट है तो इसके पावर सेट का क्या हो जाएगा एलिमेंट, राइट। सो देखो तो y इसका एलिमेंट था, हमने प्रूव कर दिया y इसका एलिमेंट है, सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ p a इंटरसेक्शन b, देखो ऐसा, ठीक। अब इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, देखो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, देखो प्रूफ हो गया, ओके। तो पावर सेट ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, राइट ना। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ओके चलो, अगर समझ में आ गया तो नोट करो उसको, और समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक। देखो बिल्कुल सिंपल है, जो पावर सेट का एलिमेंट होगा वो उस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पर, चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, ईच सेट एक्स कंटेन्स फाइव एलिमेंट्स एंड इस सेट वाई कंटेन टू एलिमेंट्स एंड, देखो ये किसका सिंबल है, यूनियन का, राइट ना। आई इज इक्वल टू वन टू ट्वेंटी, एक्स आर इज इक्वल टू एस, यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू एन, ओके वाई आर इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस belongs to exactly 10 of x r s and to exactly 4 of y r s, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक, देखो अब ये क्वेश्चन, इसकी हम बात करते हैं। देखो, इज सेट एक्स कंटेन फाइव एलिमेंट्स एंड इज सेट वाई कंटेन टू एलिमेंट्स, राइट ना। तो एक्स फाइव कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, फाइव, और वाई कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, टू। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, आज कल टू वन टू ट्वेंटी, ठीक, एक्स आर। तो देखो इसका मीनिंग ऐसे होगा, इसका मीनिंग लिखना चाहोगे ना तो ऐसे होगा, एक्स वन यूनियन एक्स टू यूनियन एंड वन एक्स ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स। देखो ऐसा, ठीक, एक्स वन यूनियन एक्स टू एंड वन यूनियन एक्स थ्री एंड वन एक्स यूनियन एक्स ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ट्वेंटी एक्स वन एक्स टू एंड ट्वेंटी सबका यूनियन क्या हो जाएगा, सेट ऐसा हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली देखो, आई इज इक्वल टू वन टू एन, सो दैट मीन वाई वन यूनियन वाई टू यूनियन एंड वन वाई एन दैट इज एस। ठीक, ऐसा आपको ऐसा गिवन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली टेन ऑफ एक्स आर एस एंड टू एग्जैक्टली फोर ऑफ वाई आर एस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब देखो इसका क्या मीनिंग है, ये जो सेट एस है इसका हर एक एलिमेंट, ठीक, एक्स जो सेट एक्स आर है इसके टेन एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट इसके दस जो सेट हो रहे हैं एक्स वन एक्स टू उसमें कॉमन है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, इसका जो एक एलिमेंट है वो इसके एक्स आर के टेन एल से बिलोंग कर रहा है। देखो एग्जैक्टली टेन, ठीक है, यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इससे बिलोंग कर रहा है, यानी इसका एक एलिमेंट इसके टेन सेट से कॉमन है। इसी तरह देखो यहाँ पर एग्जैक्टली फोर ऑफ वाई आर, ठीक है ना। अब इसका देखो, इस सेट का एक एलिमेंट वाई आर के फोर एलिमेंट में कॉमन है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको बनाना चाहें यहाँ पर सोल्यूशन, राइट, सोल्यूशन देखो कैसे लेंगे, अगर हम लें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस ऐसे, ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट या इसमें लो या तो इसमें, वो तो सेम रहेगा, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहेगा, ठीक, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम लेना चाहें तो इसके टेन, राइट ना, तो इसमें जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, वन बाई टेन होगा आएगा, क्योंकि इसका टेन एलिमेंट उसमें कॉमन है। सो दैट मीन देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई टेन समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू ट्वेंटी, राइट ना, यहाँ से हो जाएगा एन एक्स आर। देखो ऐसा, ठीक, तो अगेन देखो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टेन इन टू, राइट। अब देखो इसमें कितने हैं, एक में कितने कितने एलिमेंट है, फाइव में, तो टोटल ट्वेंटी में कितने हो जाएंगे, फाइव इंटू ट्वेंटी, राइट ना। देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक में फाइव एलिमेंट है, राइट, तो टोटल ट्वेंटी है तो कितने हो जाएगा, फाइव इंटू ट्वेंटी, राइट। और इसका एक एलिमेंट इसके टेन एलिमेंट में कॉमन है तो क्या कर दो, बाई टेन कर दो, क्लियर। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ अ टेन, ये आपको टेन मिल जाएगा, ठीक। अगेन देखो, अगेन एन एस, अब देखो एन एस अगर हम इस केस में निकालें वाई के केस में, तो वाई केस में क्या है, इसका एक एलिमेंट इसके फोर एलिमेंट में कॉमन हो रहा है। देखो वाई आर के फोर एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वन बाय फोर समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू एन एन वाई आर। देखो ऐसा एन वाई आर, ठीक, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई वन वाई टू एंड फोर वाई एन, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, वन बाय फोर इन टू, ठीक। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं, एक सेट में टू एलिमेंट्स हैं, तो एन सेट में कितने हो जाएंगे, टू एन, क्लियर है। एक सेट में टू एलिमेंट्स, कितने सेट हैं यहाँ पर, एन, तो टू एन, सो दैट मीन ये हो जाएगा एन बाई टू, क्लियर है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एन बाई टू, ठीक। अब ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस,
तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल. सो एन बाय टू इज इक्वल टू टेन, सो दैट मीन एन इज इक्वल टू ट्वेंटी. क्लियर है ये, राइट? ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली टेन ऑफ एक्स आर. इसका एक एलिमेंट एक्स आर के टेन एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है. इसका मीनिंग समझ रहे हो? इसका मीनिंग ये है कि इसका एक एलिमेंट एक्स आर के टेन एलिमेंट में कॉमन है. ठीक, तो जितना भी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बन रहे हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन रहे हैं, फाइव इंटू ट्वेंटी, उसको बाय टेन कर दूँ, ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस. ठीक, इसी तरह देखो, इसका एक एलिमेंट वाई आर के कितने एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहा है, फोर से, राइट? तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वाई आर के कितने आएंगे, टू एन टू एन, एक में टू है तो एन में कितने हो जाएंगे, टू एन, राइट ना? तो उसका क्या कर दो, बाय फोर. ठीक, सो देखो एन बाय टू, ओके, सो एन बाय टू इज इक्वल टू टेन, सो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी. ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके, राइट.